हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टू इंग्लिश अरिहंत वर्क बुक का यूनिट सेवन का चैप्टर वन ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ टिक द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में टिक लगाना है द चाइल्ड हैज़ डेस्क अ लिटिल हाउस ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्रॉ ड्राउन ड्रॉइंग ड्रॉज क्या होगा ड्राउन ठीक है इसमें टिक लगा देंगे देर आर फोर डैश इन द हाउस क्या होगा इसमें डोर्स विंडोज चिमनीज या स्टेप्स क्या थे फोर क्या थे हाउस में तो चिमनीज थे इसमें टिक लगाएंगे ठीक है इसके बाद है द डोर ऑफ द हाउस इज कलर्ड द डोर ऑफ़ द हाउस इज कल डैस तो येलो ब्राउन रेड या ग्रीन जो डोर था हाउस का वो किस कलर का था तो ग्रीन कलर का टिक लगा देंगे ठीक है उसके बाद है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स ट्रू के लिए आपको टी का यूज करना है फॉल्स के लिए एफ़ का यूज करना है द चाइल्ड हैज ड्राउन अ कार ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉल्स एफ लिखेंगे देर आर टू ब्राउन गेट्स इन द हाउस ट्रू टी लिखेंगे द स्टेप्स आर कलर्ड ग्रीन एफ देर आर फाइव विंडोज इन द हाउस ट्रू ठीक हैलो रोजेज आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एफ ठीक है उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवेन इन देल्प बॉक्स अब देखिये यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया गया है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इसमें जो सुटेबल है उसे आपको इसमें लिखना है ठीक है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर टू ब्राउन गेट्स दैट ऑपन वाइट फोर लिटिल चिमनीस पेंटेड वाइट ठीक है इसके बाद है आपका रीड द लाइन्स फ्रॉम द पॉइंट एंड एंसर द क्वेश्चन अब इस लाइन को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर तो क्या होगा इसमें देखिए क्वेश्चन है कि हु इज़ आई इन द एब लाइन्स अब देखिए आई किसके लिए यूज़ किया गया है ऊपर वाली लाइन में तो चाइल्ड के लिए वॉट कैन चाइल्ड ड्रॉ चाइल्ड क्या ड्रॉ कर सकता है तो वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर तो एक हाउस ड्रॉ कर सकता है ठीक है छोटा सा हाउस जिसमें कि ग्रीन कलर का डोर हो ठीक है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटिल अब देखिए मीनिंग बताना है कि लिटिल का क्या मीनिंग होगा तो स्मॉल ठीक है उसके बाद है आपका फाइव नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम गिव एंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे पॉइम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है हाउ डू द गेट्स इन द हाउस ओपन इन साइड या वाइड तो क्या होगा वाइड हाउ मैनी हाउ मैनी विंडोज आर शाइनिंग ब्राइट फाइव या थ्री तो फाइव ठीक है उसके बाद है थ्री नंबर में कि वॉट इज द बॉय डूइंग तो कलर या ड्रॉ तो ड्रॉ हाउ मैनी मैरी गोल्ड्स आर अगेंस्ट द वॉल फाइव या सिक्स तो सिक्स हाउ मैनी हाउस आर देयर इन द पोएम टू या वन तो वन ठीक है इस तरीके से ये ये वाला आपको बना लेना है उसके बाद है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर कलर्स इन कॉलम बी अब देखिए इसे आपको मैच करना है कॉलम ए है और कॉलम बी है ठीक है डोर का क्या होगा ग्रीन इसमें मैचिंग करेंगे गेट्स का ब्राउन चिमनीज का वाइट और स्टेप्स का रेड और मैरी गोल्ड्स का येलो ठीक है तो इस तरीके से इसे आप मैचिंग कर लेंगे और देखिए ये एक हाउस बना हुआ है ठीक है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा वो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो